बॉलीवुड के शहंशाह और महानायक के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन की तबीयत शुक्रवार की सुबह अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि अमिताभ बच्चन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। बता दिए कि एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हार्ट की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद इसका सहारा लेते हैं। बहरहाल अस्पताल के सूत्रों की माने तो एंजियोप्लास्टी के बाद अमिताभ बच्चन पहले से ठीक है और डॉक्टरों की निगरानी में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिग बी को कड़ी सुरक्षा के बीच 15 मार्च शुक्रवार को सुबह सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे के करीब अमिताभ बच्चन के सोशल साइट एक्स हैंडल से एक पोस्ट जारी हुआ, जिस पर लिखा था इन ग्रेटिट्यूड एवर। माना जा रहा है कि एंजियोप्लास्टी के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस के प्रति आभार व्यक्त किया है। बहरहाल अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होने की खबर से परेशान फैंस के लिए ये राहत की खबर है कि अमिताभ बच्चन पहले से काफी बेहतर है। हालांकि अभी भी वो डॉक्टरों की निगरानी में है।